वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों। सुबह सुबह का वक्त हो चुका है और मैं और टक्कू घूमने के लिए आ गए हैं। पिछला व्लॉग मैंने यहीं पर एंड किया था, चार कदम पहले। अब चार कदम आगे चल के ये नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आज के व्लॉग में भी कल जैसा कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने मिलेगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कल का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। नहीं आया है तो उसे ज़रूर देखिए कल वाला ही। भाई मैंने अपने पूरे बर्थडे सेलिब्रेशन का डाला हूँ और सच बता रहा हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ है। मतलब बोरिंग तो एक 0.0001% भी नहीं था। तो देखो मज़ा आएगा आपको भी। टक्कू आज बिल्कुल भी नीचे आने के लिए मेरे को उठा नहीं रहा था। मतलब 11:30 के आसपास का टाइम अभी हो चुका है और टक्कू आराम से सो रहा था, बढ़िया तान के एसी में सो रहा है अपने गद्दे में और मैं सो रहा हूँ अपनी जगह में। मतलब उसका कुछ मूड ही नहीं था। फिर मैं उठा, सचिन भी रुका हुआ है, तेजू भी रुकी हुई, तो इसको भी थोड़ा चेंज लगा और आज रिलैक्स की नींद सोया है। तो फिर मैंने बोला चल बेटू घूम के आ ही जाते हैं। तभी सेठ जी महाराज घूम रहे हैं और इनका घूम के हो गया है, बस अभी हम जाते हैं ऊपर। देख रहे हो सेठ जी को? दुनिया में ऐसा कौन सा कुत्तू होता है भाई जो बिना तकिया के सो नहीं पाता? ये है, इसको तकिया मिल गई तो ठीक, नहीं मिलती है ना तो जो कंबल दिख रहा है ना नीचे, ये इसका स्पेशल कंबल है। इस कंबल की अपने हाथ से तकिया बनाता है, उसके बाद सोता है। मतलब बताओ कहाँ से आया बाबू तेरे पास इतना दिमाग? मिला सुंदर बच्चा, सो रहा है अभी गहरी नींद में। मैं जाता हूँ अपना थंबनेल का काम करता हूँ, आज लाइव आने वाला हूँ ब्लडी सत्य में। अभी दरअसल हम लोग नीचे आए, कल का जो खाना थोड़ा बच गया था वो कॉफ़ी को दे रहे हैं और अदरक को दे रहे, फ्रिज में रखे हुए थे, दही वाला खा रहे हैं दोनों। अभी उसमें दही मिक्स करके ला दिए हैं। आज भी खतरनाक वाली हवा चल रही है। जब मैं लाइव गया हुआ था तो सुनने में आया कि कहीं ना कहीं मुंबई के इलाके में बारिश हो रही है और ये बारिश की वजह से ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आज एसी चालू करने का भी वो पड़ा नहीं था। तो खैर अभी इन लोगों को खाना दे दिया, आगे बढ़ते हैं। बाकी क्या बोल रहे थे तुम? बोल रहे इतने रात में लगभग सब सो जाते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि 12:30 का टाइम हो रहा है। हाँ। लेकिन अगर उधर नीचे एकदम छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने से बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। मतलब घर वाले बैठे चुपचाप वो खेलने दे रहे हैं, सुला उला दे रहे। चलो बच्चे सोना, सुबह उठना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना। फिर वैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, रात भर खेलते हैं ना जो, वो बिगड़ जाते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था भाई, हमारे टाइम में भाई सिस्टमैटिक जागे, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, ऐसा था, सिस्टमैटिक चीजें थी सब कुछ। तो इसलिए हम नहीं बिगड़े। और फिर लोग बिगड़ते, बच्चे बिगड़ते तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं, फिर क्या ही कहना। दो बजे तक छोटे छोटे बच्चों घूमते देखो मैंने यहाँ पे। हाँ वही तो, दो बजे तक खेलते हैं, घूमते हैं, बहुत छोटे छोटे 5-5, 10-10 साल के हैं। हाँ सही बात है, 12-12 साल के ऐसे बच्चे। फिर सामने बादाम और गुंडू दिख रहा है। हाँ। क्या करना है, थोड़ा साइड में रहते, कार आ रही है, साइड आते हैं, गुंडे साइड लेते हैं। और नीचे वाले भी दौड़ के आने वाले हैं, अभी वो आएंगे, इन लोगों को फूड दे देते हैं। खैर ये गोलू लोग मस्त दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ये सबसे आगे कौन आई अंधेरे में ना, इन लोगों की शक्ल ही मेरे को समझ में नहीं आती है। वाली प्यारी सी है। इसका नाम धनिया रखा गया था। हाँ। और ये कहाँ भाग रहे सेठ जी अपने? हाँ। अभी यहाँ पर दिए बेचारों को, खा रहे हैं मस्त। बाकी उन्हें अपना खाना खत्म कर दिया और वो भाग गए नीचे, जिया देने गई है ना वो बच्चे लोगों को, वो छोटे छोटे से ब्लैक वाले बच्चे, उनको जिया देने के लिए गई हुई है। तो उसके पीछे पीछे सब गए लड़ते लुड़ा, तो वो भी आराम आराम से जा रही है, उसके चक्कर में अब लड़ाई ना हो जाए नीचे, सब चले गए हैं और बच्चों को दे रही है, अब आ भी नहीं रही है। जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी गुंडू लोग हैं और मैं अकेला हूँ, मेरे हाथ में भी ये सारी चीज़ें हैं। बुलाता हूँ, देखो भौंक के बुला जिया को, भौंक के बुला जिया को बाबू। ये देखो ये क्या कमाल की टी शर्ट आई हुई है ना यार, इसको मैं पहन के दिखाता हूँ। ये दरअसल ओवर साइज एक और टी शर्ट है और मैंने इसको अपने बर्थडे के हिसाब से बुलाया था, लेकिन ये आई आज। लेकिन ग्रीन वाला भी अच्छा था वैसे, ये भी अच्छा है क्योंकि इसका कलर ना बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारा नोटिस करो मेरे रेड वाले जैसा है लगभग, तुम्हारा बस एक हाथ में ब्लू है, ओवर साइज और ढीला होना चाहिए। ठीक है इतना ठीक है, लूज तुमको थोड़ा लूज पहनना ही पसंद है ना, मुझे भी लूज पहनना। हां मतलब और ढीला होना चाहिए क्या पोज़ को? इतना ढीला ठीक है? ठीक है, तुमको क्या लग रहा है? मेरे को तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है यार, तो ये कपड़ा इतना अच्छा कंफर्टेबल है ना, फ्लिपकार्ट से मतलब पहली बार कोई कपड़े मुझे पसंद आ रहे लिटरली। और लेकिन ये ग्रीन वाले से लंबा है कि छोटा है? ये ग्रीन वाले से थोड़ा बड़ा है। हाँ तो ठीक है फिर, ग्रीन वाला अच्छा दिखता है। लेकिन ये जो इसकी कंफर्टेबिलिटी है कपड़ा सूखे दिखा रहा, ए मेरे वाले जैसा सेम टू सेम है, वो ग्रीन वाले से ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ। अभी एक जो मिंत्रा से आ गया उसको वापस करना है। खैर ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है ऐसा लग रहा है। और तुम नमस्ते भी बोल रहे हो अपने उसमें टी शर्ट में। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। अरे हाँ यार ये मेरा फेवरेट पोज़ है, नमस्कार नमस्कार दोस्तों बोल रहे हो। तो खैर ये ब्लॉग अभी बहुत बड़ा हो गया, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि नए ब्लॉग की शुरुआत करना है। और जो कल ब्लॉग आपको देखने मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग
डिफरेंट और यूनिक होगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, वहां पे भी जुड़ जाओ, वहां पे भी रेगुलरली वीडियोस डालते रहता हूं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.